इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने बार बार सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाते हुए जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। भीमबर और बत्सल सेक्टर में भारत की जवाबी फायरिंग में पाक सैनिक मारे गए हैं। सीजफायर तोड़ने के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 6 पाक सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। भीमबर और बत्सल सेक्टर में भारत की जवाबी फायरिंग में पाक सैनिक मारे गए हैं। और इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि सीजफायर तोड़ने के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 6 पाक सैनिक घायल हुए हैं। तो आज सुबह से ही खबरें आ रही थी कि नौशेरा कृष्णा घाटी में लगातार गोलीबारी जारी है पाकिस्तान की तरफ से, सीजफायर का उल्लंघन उनकी तरफ से किया गया है। इस बीच जानकारी अब ये मिल पा रही है कि भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया गया है, कड़ा संदेश दिया गया है और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को यहां पर मार गिराया गया है। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और जवाबी कार्रवाई में एक बड़ा संदेश, बड़ा सबक भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिला है। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। भीमबर और बत्सल सेक्टर में भारत की जवाबी फायरिंग में ये पाक सैनिक मारे गए हैं। इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि कार्रवाई में 6 पाक सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। लगातार जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। वहीं कृष्णा घाटी और नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, मोर्टार दागे गए उनकी तरफ से, सीजफायर का उल्लंघन किया गया। ऐसे में जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है और एक बड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाते हुए जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। और आपको बता दें कि भीमबर और बत्सल सेक्टर में भारत की ये जवाबी कार्रवाई हुई है और यहाँ पर पाक के 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि कार्रवाई में 6 पाक सैनिक घायल हुए हैं। तो पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं, भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भीमबर और बत्सल सेक्टर में भारत की जवाबी फायरिंग में पाक सैनिक मारे गए। तो आपको बता दें कि इस बीच कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी की मौत हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की गई है, बड़ा सबक पाकिस्तान को यहाँ पर सिखाया गया है और भीमबर और बत्सल सेक्टर में भारत की जवाबी फायरिंग में पाक सैनिक मारे गए हैं। सीजफायर तोड़ने के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 6 पाक सैनिक घायल हुए हैं। इस बीच जानकारी ये भी है कि 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे हैं जनरल विपिन रावत, वहां पर टॉप अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान भी आया है, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से।